पटना सिटी के झाओगंज में बाहे गुरु पाल सिंह 10 फरवरी को 5 लाख की रंगदारी मोबाइल से कॉल करके मांगी गई थी। नहीं देने पर रंगदारों ने गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद व्यवसायी ने पटना सिटी के चौक थाना में मोबाइल से रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद ही रंगदारी मांगने वाले का मोबाइल नंबर डिटेल खंगालना शुरू कर दिया था, लेकिन व्यवसायी से लगातार रंगदारी की मांग जारी थी। 5 लाख रुपए का डिमांड व्यवसायी से किया जा था, नहीं देने पर व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस मनोवैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की। जो जानकारी मिली, जिस मोबाइल नंबर से रंगदारी मांगी गई थी, मोबाइल नंबर किसी और का नहीं। पटना सिटी एएसपी अमित रंजन ने बताया कि व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले आरोपी हरजीत सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरजीत सिंह जुनेजा कारोबारी के यहाँ सेल्समैन का काम किया करता था और अपने पड़ोसी से रंगदारी की मांग कर जान से मारने की धमकी दे रहा था। व्यवसायी को आरोपी परिचित ही निकला। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज़ कैंप 24 की रिपोर्ट। को हमारे पास बाहे गुरु पाल सिंह हरमिंदर गली में रहते हैं, चौक थाना अंतर्गत। इन्होंने कंप्लेन की कि इनको कॉल आ रही है कि 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी जा रही है और नहीं देने पर इनको गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। तो इस पर तुरंत हम लोगों ने FIR दर्ज करी, कांड संख्या 7023, और अनुसंधान शुरू किया। इसमें अनुसंधानक रमेश कुमार है चौक थाना के। फिर हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन भी किया, क्योंकि इनको लगातार थ्रेट्स आ रहे थे और वो अपना फ़ोन जो है वो थ्रेट दे के तुरंत बंद कर दे रहा था, तो हम लोग को उसको पकड़ पाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा किया और टेक्निकल अनुसंधान किया। उसके थ्रू हम लोगों ने इसके फ़ोन का IMI नंबर निकाला। फिर उसका जो दूसरा सिम था उसके बारे में पता लगाया। फिर उसके थ्रू हम लोग को कैब के बारे में पता चला, उसका एड्रेस वगैरह पता चला, तो पता लगा कि ये उनके घर के सामने ही रहते हैं और जो वादी हैं उनके ये पड़ोसी हैं और उनके द्वारा ये मांग की गई थी रंगदारी की और उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये काम किया है। क्या नाम है सर? इसका नाम हरजीत सिंह उर्फ बंडी है, उम्र 28 वर्ष, पिता अमृतपाल सिंह और हरमिंदर गली चौक थाना में रहता है। सिम किस तरह पैकेज किया था? सिम वही नॉर्मल सिम, उसको बंद कर देता था, बस धमकी दिया और बंद कर दिया। सेम उसी का था कि किसी और? सिम किसी और का यूज़ कर रहा था, जिसने कहीं से सिम चोरी किया था और उसके बाद उसको यूज़ कर रहा था और उसको तुरंत बंद कर देता था कॉल करने के लिए। इस मामले का क्या नाम था सर? जिस बाहे गुरुपाल सिंह और ये व्यवसायिक है, अपना काम वाम करते हैं। उनको लगातार थ्रेट आ रहा था और अच्छा मतलब अनुसंधान किया है चौक थाना की टीम ने। पहले भी एक दो दिन पहले भी उसको एक दो लोग को गिरफ्तार भी किया गया था इसी मामले में। लेकर पूछताछ के लिए लेके आए होंगे हम लोग, बाकी मेन अक्यूज तो यही है। इन्हीं के खिलाफ सब एविडेंस मिला है, जिससे घटना मतलब मोबाइल से जैसे धमकी दे रहे थे, उससे और मोबाइल दोनों बरामद। पड़ोसी है सर? हाँ, इनके पड़ोसी। ठीक।